हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्य और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। 2020 आ चुका है और इस साल में कई बड़े सितारों की कई सारी फिल्में आ रही है। अक्षय कुमार की 4 फिल्में आ रही है, कहीं ना कहीं सलमान खान की 1 या 2 हो सकती है, आमिर खान की 1 फिल्म आ रही है। मेरे साथ मौजूद है कुछ भाई लोग, नितिन मौजूद है मेरे साथ तनवीर मौजूद है मेरे साथ, फिल्मी सिकंदर मौजूद है, भाई आपका शुभ नाम साहिल भाई मौजूद है। इन सबसे जानने की कोशिश करते हैं कि इन चारों मतलब अलग अलग स्टार्स की फिल्में क्या कलेक्शन कर सकती है इस साल में। भाई आपसे जानना चाहता हूँ नितिन, आप अक्षय कुमार की बड़े फैन हो, अक्षय कुमार की 4 फिल्में आ रही है, तो पिछले साल चारों मिला के जो फिल्में थी अक्षय की उसे 750 करोड़ की कमाई की, तो क्या इस साल कितना कमाई एक साथ लगता है आपको कर सकते 2020 में अक्षय? हाँ, ये अभी अक्षय कुमार का वो ऐसा पीछे चलता है तो मतलब कुछ ज्यादा ही कमाएगी पहले से ही। अच्छा, मतलब ज्यादा कमाएगी, मतलब आपके हिसाब से 750 करोड़ के ऊपर हो सकता है? 750 करोड़ ऊपर हो सकता है। तो ये बहुत सीधी सीधी बात करें कि 750 करोड़ के ऊपर अक्षय कुमार कमा सकते हैं। क्या लगता है आपको अक्षय कुमार 4 फिल्में आ रही है उसके बारे में क्या लगता है एक साथ कितना कमा सकते हैं? 750 करोड़ कमा के नंबर 1 पे हो चुके हैं 2019 में। इस बार तो मुझे लगता है 800 तो हो ही जाएगा। अच्छा, क्योंकि अच्छे सूर्यवंशी आ रही है, एक्शन बहुत टाइम बाद अच्छा कोई एक्शन आ रहा है, फिर बच्चन पांडे भी अभी कुछ पता तो नहीं चला कैसी है, खाली देख के जो पोस्टर एकदम थोड़ा अलग लग रहा है तो वो भी हो सकता है। लक्ष्मी बॉम्ब को जो आना नहीं चाहिए पर आ रही है, इत पे वो मेरे को लगता है कम कमाएगी, बाकी तो ठीक है सब। अच्छा, तो कुल मिला क्या 800 करोड़ के ऊपर आप सोच सकते हैं? हाँ ठीक है, मतलब 800 तक ऊपर। लेकिन एक चीज की बात करें, लास्ट ईयर अक्षय की बहुत बड़ी बड़ी फिल्में नहीं थी, इस बार सूर्यवंशी है, पृथ्वीराज है, तो क्या लगता है इस बार जो चांसेस है बहुत ज्यादा? हाँ है, चांसेस है, वही मैं बोला ना, एक्शन आ रहा है सूर्यवंशी वगैरह में, रोहित शेट्टी के साथ आ रहा है। 800 करोड़ भाई कह रहे हैं कि उतना तो होना ही होना किसी भी हाल में। भाई आपसे जानना चाहेंगे फिल्म सिकंदर, क्या लगता है अक्षय छा रहे, पिछले साल छा गए 750 करोड़ कमाए, इस साल कितना कमा सकते हैं? जो हिसाब से इस साल मूवी आ रही है उनकी, तो हिसाब से मेरे को लग रहा है कि अगर 1000 करोड़ आराम से जाएगी। इसके इसलिए आएगी क्योंकि वो मूवीज जितने 2-3 मूवी उनका एक्शन वाली है, पृथ्वीराज चौहान हुआ, लक्ष्मी बॉम्ब और अपना ये सूर्यवंशी, ये सब थोड़ी मूवी एक्शन है, तो हो सकता है, बिल्कुल जा सकता है। ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव टोन में बात कर रहे हो, बहुत सही भी बात कर रहे हैं, सलमान खान के फैन, लेकिन सही बात करें कि अक्षय की 1000 करोड़ जा सकती है, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में आ रही है। भाई आपसे जानना चाहेंगे साहिल, अक्षय की फिल्म कितनी कमा सकती है? पिछले साल 750 करोड़ कमाई सब फिल्मों ने मिला के, इस साल कितना लगता है आपको? जाएगी, उतने तो जाएगी, 700-750 करोड़ आराम से जाएगी। अच्छा, मेरे साथ आपको शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद है बहुत ही बड़े फैन अक्षय कुमार के, मुझे मिले थे सुजीत मंडाली, अभी तक गए नहीं है गुवाहाटी क्योंकि अक्षय कुमार को बिना मिले जाएंगे नहीं, 10 दिन हो गए हैं, ये है एक बड़े फैन की निशानी। भाई आपको टैटू एक बार दिखा दीजिए और मुझे ये बता दीजिए क्या अक्षय अभी तक मिले कि क्या आंसर है? अच्छा, अभी तक नहीं मिले? नहीं मिले, रोज घर पे गेट के सामने खड़ा होता हूं, नहीं मिले मेरे को। अच्छा, आए है क्या वापस? सुना है आया बोल के, लेकिन नहीं मिल रहा है मेरे को। अच्छा, नहीं मिल रहा है, चलो ठीक है, आप अपना कोशिश जारी रखिए, आई होप आपको जल्दी मिल जाए। आप टैटू दिखा सकते हैं, ये देख सकते हैं अक्षय कुमार के बड़े फैन, मैंने आपको बताया था पहले भी। और अभी क्या खाना पीना सब सही चल रहा है आपका? चल रहा है मेरे को। अच्छा चलो ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ अक्षय कुमार ने पिछले साल सब चारों फिल्में मिलाकर 750 करोड़ कमाई की, इस साल क्या लगता है कितना कमाई कर सकती है? मेरे को लगता है 1000 करोड़ अगर छुलेगा। अच्छा, मतलब आप फिल्मी सिकंदर की गारंटी के साथ कह सकता हूँ मैं। तो ये अक्षय कुमार बहुत बड़े फैन हो, इन्होंने कहा 1000 करोड़ हो सकते हैं, फिल्मी सिकंदर की बात इनकी बात लगभग सही हो, और अगर सबकी बात अगर सुने तो सपना यही कहेगी 750 करोड़ या 800 करोड़ के ऊपर ही कमाएगी, यानी कि इतना मतलब साफ है अक्षय कुमार की फिल्म बहुत ज़्यादा कमाने वाली। चलिए बात करते हैं बाकी, सलमान खान की एक फिल्म आ रही है राधे, वो लगता है कमा सकती है? मेरे को लगता है 250 करोड़ तक कमा सकती है, 275 तो हो जाएगा आराम से, 300 पार। दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा? दोनों फिर मंगा के अभी 3 या 5, 600-650 हो जाएगा। अच्छा, मतलब भाईजान की और 2 फिल्में आती है तो आपको क्या लगता है कितना हो सकता है? अगर किक 2 और राधे आएगी तो मेरे को लग रहा है एक बार फाड़ देगी भाई ने। अच्छा, इस बार फाड़ देगा, इसीलिए कि राधे वांटेड का भी बाप होने वाला। कितना करोड़ कमा सकती भाई ने कहा 600 करोड़? 600 से ऊपर ही जाएगा अगर दोनों आ गई फ्लोर पर। तो क्या लगता है दोनों फिल्म आ गई भाई कितना कमा सकती है राधे? तो 300 तो कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि राधे का तो वही किक 2 से भी ज्यादा अभी फेमस में हो रहा है, और बाकी किक 2 रहा तो 200-250 तो पार कर ही गई, और राधे तो अपना 300 तो एकदम नेचुरल की पार करना ही है। चलो आपसे स्टार्ट करता हूँ, अक्षय आमिर खान की एक फिल्म आ रही है वो है लाल सिंह चड्ढा। लाल सिंह चड्ढा यानी कि आमिर खान हमेशा 300 उसके ऊपर दे चुके हैं, सबसे बड़ी फिल्म भी बॉलीवुड की आपको बता दूँ दंगली रही थी 87 करोड़, तो क्या लगता है आमिर खान 300 करोड़ के ऊपर की जो चीज़ है वो पूरी कर सकते हैं इस साल? आराम से आराम से, लेकिन उनका जो फिल्म आता है वो साल में एक ही आता है, और ऑडियंस देखने के लिए बेताब रहते हैं कि साल में सिर्फ आमिर खान का ही जो है कि जो सिंगल साल में एक ही बार आता है,
तो 300 तो नॉर्मल है एकदम, उनके लिए तो एकदम नॉर्मल है 300 करोड़। तो आपसे जानना चाहेंगे क्या आमिर खान आए लास्ट दिन चड्ढा के साथ, बच्चन बड़े के साथ क्लैश भी क्लैश हो रही है, क्या लगता है कितना कमा सकते हैं? कमाई होगी, आमिर खान कमाई की इसके वजह से एक साल वो मूवी नहीं दी है, 2019 उनका एक भी मूवी नहीं है, और दिसंबर हमेशा उनका ही रहा, जब भी वो दिसंबर में मूवी लाए हैं चाहे पीके हो, धूम 3 हो या दंगल हो, बराबर परफेक्ट कमाई करते हैं, तो ये इस साल उम्मीद है कि कमाएंगे, अच्छा कमाएंगे, 300 के ऊपर जा सकता है अगर क्लैश नहीं हुआ तो। क्या लगता है क्लैश अगर होता है इस बार लगी रहा है बच्चन भाई के साथ, तो क्या लगता है कितना कमा सकते हैं? फिर भी 300 पार हो गए। अच्छा, इतना दम है आराम से, ये अक्षय का जबरदस्ती सबके साथ भिड़ रहा है, फिल्म का कंटेंट इतना स्ट्रांग है आपके साथ है, जो उसका जो इंग्लिश जो है मतलब जो ओरिजिनल है फॉरेस्ट गंप बहुत अच्छी मूवी है, और वो जो आएगी लाल सिंह चड्ढा वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवीज ऑफ बॉलीवुड रहने वाली है पक्का। तनवीर ने बहुत सही बात की, बहुत कॉन्फिडेंटली बात की, भाई आपसे जानना चाहेंगे नितिन क्या कर अक्षय की सॉरी आमिर खान की फिल्म कितना कमा सकती है अगर आई तो? कुछ 350-400 कमानी चाहिए। बिल्कुल अच्छी खासी बात। आखिर में आपसे जानना चाहता हूं आमिर खान की फिल्म कितना कमा सकती है? मुझे लगता है 300 तक चलेगा, 300 तक, 300 तक देख सकते। कुल मिला के अक्षय के फैन है, सलमान खान के फैन है, यहाँ पे सभी एक्टर्स के फैन है, और सबका साफ साफ कहना है कि अक्षय कुमार की फिल्म ज्यादा कमाई क्योंकि ज्यादा फिल्म उनके पास है, उसके अलावा सलमान खान एंड देन आमिर खान, और उसके अलावा बाकी जो एक्टर्स की फिल्म होगी वो कमाएगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए फिलहाल के लिए आप सभी का वापस से शुक्रिया, बाय बाय।